की बात कहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम नया आया बिहार में जमुई का। चाचा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, देखिए सवाल सुन लीजिए। राम मंदिर बनने से आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है, कोई खुश नहीं। राज होने से पूरा साथ होता है। 10% श्री राम। राम मंदिर से हमको पेट भरेगा। अच्छा, राम मंदिर बनने से हमको पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा। यूपी वाले राम मिले, रोजी रोटी मिले। केला महावीर मंदिर जो कई अस्पताल चला रहा है, तीन तीन यूनिवर्सिटियां चला रहा है। की बात कहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम नया आया प्रभु, राम लला के, राम लला के माध्यम से। और जो लोग कहते हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बातों को भी सुनिए। जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन गया भैया, खाने को मिलेगा क्या, रोजगार मिलेगा क्या, सुन लीजिए। मैं उन लोगों को बिहार में जमुई का। चाचा सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अरे चाचा, लालू आने के बाद ऐसे पीछा दल इधर रोड पर आया, देखिए एक मिनट सवाल सुन लीजिए, देखिए सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। हम लोग काम और रोटी से मतलब है, राम और विकास की बात है। देखिए प्रभु श्री राम की लेकर जो आस्था देश भर में थी, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया इस देश में, कई लोगों ने गोलियां खाई तब राम मंदिर बना। तो हो सकता है आपको उस चीज से कोई मतलब ना हो, लेकिन लाखों लोगों को मतलब है। राम मंदिर कहां करा, राम मंदिर कहां करा, ये बात जन्मदिन करवाए। राम मंदिर बनने से आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं है, कोई खुश नहीं है। राम राज होने से सब खुश है, राम राज होने से पूरा साथ होता है। 10% श्री राम। रोजगार भी आप खुश हैं? राम मंदिर, आप खुश हैं? राम मंदिर से क्या लेना था? राम मंदिर से खुश है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेना था हम लोगों को? रोजी रोटी बढ़िया, रोजगार मिले, उससे मतलब है कि राम मंदिर से हमको पेट भरेगा। अच्छा, राम मंदिर बनने से हमको पेट भर जाएगा, अपना पेट भर जाएगा। यूपी वाले राम मिले, रोजी रोटी मिले, सस्ता हो, सर्विस दिया है 10 साल में। देखिए सूरज बंडवाल, अभी क्या है कि जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन गया उससे हमें रोजगार मिलेगा क्या, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अकेला महावीर मंदिर जो कई अस्पताल चला रहा है, तीन तीन यूनिवर्सिटियां चला रहा है, उस यूनिवर्सिटियों में नाम चल पढ़कर बच्चे है, उसका नाम बता दीजिए। बच्चे हमारे बिहार के ही बच्चे उस यूनिवर्सिटी में बचकर पढ़कर आगे चल करके अपनी तैयारियां कर सकते हैं। जो अस्पताल चल रहा है उसमें जाकर लोग इलाज करवा रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही राम मंदिर बना, वहां पर आसपास लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वहां पर पर्यटक क्षेत्र के दृष्टिकोण से वह क्षेत्र विकसित हुआ। उसके साथ साथ जब वहां पर पूजा होगा तो लोग माला चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, ऐसे वहां पर बिजनेस विकसित हुआ। उसके साथ जब वहां पर लोग जा रहे हैं तो आने जाने का साधन, बस, ऑटो, ना जाने उसके माध्यम से कितना साधन वहां पर विकसित हुआ और उसके माध्यम से लोगों को रोज़गार मिला। तो